अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे। बात हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे हैं, हम इंसान नहीं है। ये मेरी बहन आई, इन्हें दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ। हम कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे, हम मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है। तो कैसे हो आप सब? ठीक है, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। इंडिया के हक में बात होगी, सऊदी अरेबिया में कुछ भजन गाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, लेकिन मिर्ची किसको लगेगी? पाकिस्तान को। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों की जलन। गाइस, एक वीडियो है जिसके अंदर एक अरबी है जो कि इंडिया के भजन गा रहा है, और वो भजन ये पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि एक अरबी होकर ये क्या कर रहा है। लूंगा क्या ये अरबी जो कर रहा है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इन सब के बारे में। सर, बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस्लाम कहाँ से आया था? बेसिकली अरब से आया था, मक्का से। मक्का से हुआ ऊपर इस्लाम दीन उन पर और कुरान उन पर नाजिल हुआ था। बिल्कुल सही। तो सर मैं दिखाना चाहूँगा, शेख लोग शेख कुछ गा के हमें बताना चाह रहे हैं। मैं देखा सुना है। कुछ ये पहले सुना हुआ? जी, ये एक दफ़ा सुन ले। हाँ मैं सुना है। तो ये भला क्या, मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी क़यामत की निशानियों में से। अच्छा। तो उसमें था कि जब क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। अरे के जाहिल। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख ले कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई में बनाया सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं, सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ, तो ये हमारे नबी पाक ने फरमाया ना, वो हक है, बर हक है, झूठ तो नहीं हो सकता, तो वो ही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। जली ना तेरी भी जली ना क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अपने, अल्लाह ने अभी अपने नबी के जरिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हम, हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे, तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर, तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिया तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने, तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या आप मंदिर बना रहे हैं? आप गिराएं ना, गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी, हमारे नबी ने भी फरमाया कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे वो तुम्हारी गिराएंगे, तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना। तो अब देखें ना कि हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। पाकिस्तान के मुस्लिम लोग बड़े ही शरीफ है ना, सबसे ज्यादा हिंदुओं से मुस्लिम कन्वर्ट तुम ही करवाते हो। तुम्हारे मुस्लिम लोगों के क्या माइंडसेट है कि पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाना है? बाकी कोई धर्म में ऐसा नहीं है कि हाँ बना लो, सबको बना लो, और जबरदस्ती का बनाया हुआ ही ये जो लोग है ना, यही जहालत फैलाते हैं, और यही है तुम्हारी बर्बादी की निशानी। और देखो सिखा किसको रहा है ये? सऊदी अरब वालों को। सालो, तलवार के नोक पर तुम्हारे पूर्वजों ने सलवार पहन ली थी। ये भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो बड़े आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं गजनवी, उन्होंने आके इंडिया के बुतों को गिराया था, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं के बुतों को गिराया, तो वो कहते हैं कि ये सही बात तो नहीं ना कि आप हमारे बुतों को गिराओ और हम चुपचाप देखते हैं। ये फिल्मों में जो मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। ये इनकी जंग लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी, तो जाहिर बात है जब मुसलमान के ऊपर तो हमला करेंगे तो वो उसका जवाब तो देना बनता है ना। मेरे घर पे कोई हमला कर दे, कोई भी, वो आगे मैं उसको खामोशी से देखता रहूंगा? मैं फिर रोकूंगा ना उसको। बस समन चूतिया, गजनवी हिंदुस्तान में आई थी तो घर पर किसके हमला हुआ? हिंदुस्तान के। मेरा जी कर रहा है इसको यहीं से इतना थप्पड़ मारूं कि सारी जहालत निकल जाए इसकी। मुगल आए थे इधर, हम मुगलों के घर नहीं गए थे कब्जा करने? हाथ से रोकूं, जबान से रोकूं या फिर हथियार से रोकूं? तो ये उन्होंने रोका है, दीन इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं। तो कितने सूफिया कराम है यार, ये फैलाते क्यों है? बीमारी है क्या सालो? तुम एक बीमारी हो। औलिया अल्लाह के वली इधर आए हैं, पूरे बरेसगीर में है, जिनको ये जाके मानते भी, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी जाते हैं वहाँ पे। क्यों जाते हैं?
उन्होंने इस्लाम फैलाया तो तलवार के जोर पे नहीं फैलाया। सफाई देखो कि भाई तलवार की नोक पर नहीं फैला है, तो तुम किसकी नोक पर बने थे? ये जोन साहब, ये इन्होंने जो भजन गाया ये सही नहीं गाया, गलत गाया, इसके प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ ये तो गलत है। मैं तो गलत कह रहा हूँ, सरासर गलत है, लेकिन अल्लाह के बताइए उसमें से एक निशान नहीं है। मतलब क़यामत आएगी? क़यामत तो आनी है। आप क़यामत पे ईमान नहीं रखते? इंशाल्लाह जरूर रखते हैं। तो फिर तो क़यामत आनी, उससे पहले ये चीज़ें जो है ना ये पूरी होनी है, जो क़यामत की निशानियों में से हैं, उसमें बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं। क़यामत आएगी और सिर्फ पाकिस्तान में आएगी। जो ये जाहिल है ना, इस जैसे जाहिल इनको चुन चुन के ले जाएगी और ले जाकर जहन्नुम में पटकेगी। जाहिल कहीं का। बिल्कुल सही। अरब में सब्जा उग रहा है पहाड़ों पे, जहाँ पत्थर थे वहाँ सब्जा उग रहा है, बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी। ये भी निशानी है क़यामत की। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी एक सवाल ये भी यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि दुनिया ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रही है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात कर लें, हमसे ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अपने माल की वजह से है ना, हम अपने माल, हमारे अपने माल भी तो अच्छे नहीं ना मुसलमानों के, कौन से अच्छे हैं बताएँ? हमारे अपने माल भी ऐसे ही हैं ना, जिन चीज़ों से अल्लाह के उसके रसूल ने मना किया वो हम धड़ल्ले से करते हैं, जहाँ से मना किया वो आ जाते हैं खुद कर रहे हैं। किस किस चीज़ से अल्लाह ने मना नहीं किया वो हम कर रहे हैं। हमारे नबी पाक ने फरमाया ये काम नहीं करना, हम वो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो बोला था हम सबसे ईमान वाली कौम है, ये पाकिस्तानी जब शुरू होते हैं ना तब पता नहीं क्या खाकर कोई कैप्सूल लेते हो है वीडियो शुरू करने से पहले, तो लास्ट में वो नशा हल्का पड़ जाता है क्या यार? मुजिम्मल भाई क्या खिलाता है इनको जालत फैलाने के लिए? पस्ती तो आनी है ना, अल्लाह तो फिर नाराज होता है ना। फिर क्या हाल है इस चीज़ का? थोड़ा सा अपने आप देखे जी, किसी को बुरा कहने से बेहतर है अपने आप को बदलें, अपने पहले खुद अपने आप को ठीक करें, दूसरा खुद ही ठीक हो जाएगा। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे, अपने वो ठीक ही ना करें। बिल्कुल सही होगा सर, है ना? सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एनएस डॉग विद दीन हमारा मजहब जी, दीन इस्लाम जो हमारा मजहब है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, आपको पता है इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये हमारा दीन सीना ब सीना आया पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। हमने कहाँ से तल्लुक रखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से, मक्का मदीने, सऊदी अरेबिया के लोग। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, अरबी क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा देखिएगा और उसके बाद आपने अपनी राय देनी है। ये अरबी हैं, ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये देखें, बोल राजा सीताराम बोल, बोल राजा नहीं है, बोल राधा, राधा होती है राधा रानी, ये बोल रहे हैं। ये देखें गौर से देखें, ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं, ये इनकी मैं आप वो सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया, ये सब फ्रॉड है। अच्छा, ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है, खुद लाल धागा बांध रखा है लेकिन असली मुस्लिम होने का दावा कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सऊदी अरेबिया के शेख के लिए बोल रहा है कि उसने सिर्फ मुस्लिम वाले कपड़े पहन रखे हैं लेकिन वो मुस्लिम है नहीं, क्या दोगलापन है यार? कौम को आप लोगों ने पागल समझा है? रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। ये कलमा को पर आ गए यार, जज्बा ये बस, ये हिर फिर के इनके पास यही चीजें होती है। ये थे पाकिस्तान के जाहिल, मजा आया देखकर। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।